एक बार और मुस्कुराओ ना। नो प्लीज। आजा हसीना, लेट्स रिमूव सम पसीना। हाँ तो बाबू लोग, इस बार हम बात करने वाले हैं ऐसे डेब्यूज की जो गलती मुंह पे फ्लॉप हो गए। तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और तुम्हें पता ही है, अनशेंड सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम्हारी स्क्रीन पर है। कॉफी केयरफुल, इट्स रियली हॉट। तू क्या कर रहा है यार? ये बंदी की बहना का 6 महीने पहले आईटी वाले जोकर ने हत्या कर दी थी, दैट टू पूल साइड। अब वही सेम बंदा इसको फोन करके कह रहा है कि जिस दिन मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल किया था उस दिन उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। रंग तेरी माँ की रंग। इस किलर के तो किलर मूव्स है भाई। बज ऑफ। और अपना मेन हीरो जो बहुत ही सैवेज है भाई, मतलब पुलिस वाले को मुँह में फेंक के क्या जवाब दे रहा है। तुम्हारे जूते का साइज क्या है? क्यों आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं? क्या बात करता है यार। एक दिन ये बंदी रो रही होती है एंड हर मदर इज लाइक, भाई मेरी ना एग्जीबिशन है तो मुझे निकलना है, ओके मैं लेट हो रही, बाय। अब इतने बड़े घर में ये अकेली, भाई ऐसे में ना मैं तो खुद घर पे ना रहूं। एक तो इतना बड़ा घर, ऊपर से आजू बाजू में मर्डर का सीजन चल रहा है ब्रो। बात तो सही है। यहाँ ये मर्डरर आ जाता है और ये उस पे खाना फेंक रही है, फिर तो मूवी फ्लॉप होनी थी भाई। और फिर ना मर्डरर में आग लग जाती है एंड ही इज लाइक ठीक है भाई मैं चलता हूं। अब ये आईटी वाला जोकर एक दिन इसको फिर से पकड़ लेता है। अब ये पागल वागल है क्या? जब पता है जान पे हमला हो सकता है कभी भी, तो ये क्यों घूम रही है ऐसे अकेले? वो भी पुलिस प्रोटेक्शन ही ले ले यार भाई तू। अब ये मर्डरर यहाँ पे मर्डर करने आया या फिर ये झापड़ मारने आया? और बाबा लोग, ये अपना एसीपी प्रद्युमन सीआईडी ज्वाइन करने से पहले यही काम तो कर रहा था। माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। सर आपको तो डिटेक्टिव होना चाहिए था सर। यार डूड, पता नहीं क्या सीन है ना, ये मर्डर ना तो इसको ढंग से मार पा रहा है ना तो ये अपना प्लान ड्रॉप कर रहा है। वो यहाँ है। अरे तो ढक्कन लड़की, खिड़की तो बंद करके सोना। पता नहीं। अब इनको एक आईटी वाले जोकर की लाश नदी से मिलती है। माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। तू पागल है क्या? अब किलर ने उसकी माँ भी बेल दी। ओ माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। आइला एड़ा है क्या? सर वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? बवासीर। मुझे लगता है ना, वैसे ये किलर ना ये लड़की की बेस्ट फ्रेंड गहना हो सकती है, क्योंकि ये पसंद करती है मेन हीरो को। क्या है उस महक में जो मुझ में नहीं है? और मेन हीरो पसंद करता है महक को, पर भाई महक को तो सूरज के साथ निकलना है, तो शायद अब गहना अपना रास्ता क्लियर करने के चक्कर में है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। नहीं भाई, इसने तो गहना को ही मार दिया, फिर एक एक करके इसके सारे दोस्तों को मार दिया। और फिर ये एसीपी प्रद्युमन आ जाता है और कहता है कि आज रात महक की निगरानी मैं खुद करूंगा। ये भी ठीक है। The next day. अब ये बेचारी बंदी ने ना पूरी मूवी में इतना चिल्लाया ना कि मूवी के एंड तक इसकी आवाज इतनी पतली हो गई है। राठौर। और असलियत में पता चलता है भाई कि फिर किलर ये लौंडा है जो इसके साथ घूम रहा था इतने टाइम से। अब क्यों करा इसने ये सब कुछ? कोई बहुत ही रीजन है डूड, मतलब मेरा ना बताने का भी मन नहीं कर रहा कसम से। एक बात पूछो, तुम पॉपकॉर्न के लिए मना कर रही हो या सवाल पूछने के लिए? दोनों के लिए। ये अमीर बाप का बेटा एक कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पे बच्चे ऐसे चलते हैं और ऐसे तो रैगिंग होती है। क्या तूने कभी शीशा नहीं देखा? नहीं। और ये लड़का खुद तो ऐसी बातें करता है। मुझे हवाओं में मोहब्बत के पत्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्साइटमेंट में सीलिंग तक पहुँच जाता है। और फिर ना एक बार इसकी बातें सुन लो जरा। तूने इतना हाई जंप कैसे मारा? मैंने नहीं मारा, इश्क ने मारा। इतनी बातें सुन के ना इस लड़के तक के चश्मों में ना भाई छेद हो गया। अब ये कुत्तों की तरह इस लड़की का पीछा करता है, उसके लिए गाना गाता है, कॉलेज में सबके सामने अपनी इज्जत की धजिया उड़वाता है, उसके घर तक पहुंच जाता है क्योंकि Because I love you and I hate you। फिर पता चलता है कि लड़की तो ऑलरेडी शादीशुदा है और ये इसकी सास है, पर पहले वाली पति के साथ प्रॉब्लम ये थी। आप चाहते क्या है? तुम्हारी पॉन बनाना। हरगिज नहीं भाई, इस आदमी के ना इतने गंदे शौक होते हैं ना कसम से। और भाई ये अपनी बीवी का थ्रीसम करवा रहा है यार, मतलब ऊपर से खुद शूट भी कर रहा है, मतलब व्हाट इज दिस यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? आपने अग्नि के सामने हमारी रक्षा की कसम खाई थी। अच्छा वंडरफुल, ऐसे प्लीट करते रहो, वेट में फीलिंग आ जाएगी। कम ऑन, शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। और फिर ये गंदे आदमी का खोपड़ा फोड़ के निकल लेती है, पीछे पलट कर देखती है तो टेंट में आग लग गई होती है ब्रो, एंड गोस टू हिज मदर और उसके हरामी बेटे की सारी चुगली लगा देती है। तो क्या नाचोगे? एंड देन द मॉम इज लाइक ओके बेटी आई बिलीव यू बट नाउ ही इज तो डेड, अब से हम दोनों माँ बेटी। ये अच्छा है। फिर ये बंदी कर देती है शादी के लिए हाँ और इनकी हो जाती है एंगेजमेंट, बट वेट पीछे देखो पीछे। ओल्ड विलन री एंट्री। ओह यस।
एंड ही इज लाइक मस्त इनके फंक्शन में आके नाच गाना कर रहा है भाई ये बंदा, इसके बाप के साथ बज रहा है। अबे भाई इसको क्या पता वैसे बेचारे को कि लगने वाले आ गए। और ये गंदे आदमी की ना बातें सुन लो जरा। आपके आशीर्वाद से साधुओं की एक टोली ने बचा लिया, आपका बेटा अभी भी उतना ही चार्मिंग है जितना की पहले था। मतलब यार ये ना एक्टर वैसे मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मतलब एक नंबर भाई है, मतलब रियल लाइफ में भी ना बहुत बढ़िया इंसान है पता है, एकदम फुल ऑफ लाइफ। कैसा लगा मेरा मजाक? और क्या कैरेक्टर प्ले किया ना भाई, मतलब एकदम फ्लिप कैरेक्टर। वैसे इन दोनों के लिए भी मुझे काफी बुरा लग रहा है, पर इसको देख कर ना भाई मजा आ गया कसम से। आई लव यू मम्मी। तुम्हें क्या चाहिए? कल के खाने का मेन्यू पूछ रही हो? फिर बंदे ने इसके फियांसे से दोस्ती भी कर ली यार, और अब इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है आपकी नींदें हराम करने। फिर उसकी माँ को ना आता है एक आइडिया, तो वो क्या करती है, फटाफट से जोमेटो खोल के ना सूर्यवंशम वाली खीर ऑर्डर कर लेती है और अपने बेटे को खिला देती है। मगर पहले आप चीटिंग करता है तू। बट देन शी इज लाइक इसको मारने के लिए तो मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेट्स डू दैट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। पर बाबा लोग गंदा आदमी ना अब भी जिंदा रहता है, ठीक है, जस्ट किडिंग यार, ही इज डेड टू मैन, बट इट डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम लाफिंग। आईला सुंदर, अति सुंदर, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ हो रहा है ना इन भाई साहब का डेब्यू, ठीक है। जिसका मानना है कि गर्ल्स एब्सोल्युटली होपलेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इतना अनरियलिस्टिक एक्शन सीन भाई, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो बाबा लोग देखो बात ऐसी होती है कि बंदी का ना एक बैंकॉक में अंकल होता है, ठीक है, जो इंडिया में वांटेड होता है। अब वो तो मर गया, पर उसके सारे फंटर लोग अब 10 करोड़ मांग रहे हैं, क्योंकि करोड़ों साल पहले इन लोगों ने मिलकर एक चोरी की थी। दूसरी साइड ये गवर्नमेंट भी इससे 10 करोड़ मांग रही है। बड़ी अजीब सी चीजें चल रही है भाई इस मूवी में। ऊपर से यहाँ पर राखी भी है यार, जिसे लाल रंग बहुत पसंद है, खून का रंग। तुमने कभी खून देखा है? बिल्कुल मेरे इन होंठों की तरह होता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जस्ट इमेजिन, अंडरवर्ल्ड से एक फंटारिया आती है तुमसे 10 करोड़ मांगने के लिए, और वो ऐसी बातें कर रही है। तुम्हारे होंठों को कभी किसी ने किस नहीं किया ना? हे भगवान, ये क्या कलयुग है। और एक ये वॉनबी खतरनाक अंडरवर्ल्ड का डॉन शरारा शरारा। नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं बता सकती, तो मैं नहीं बता सकती। तुम मुझे भी नहीं बता सकती? हाँ मुझे, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। What nonsense is this? फिर तीसरा ये बंदा जिसकी बिजली जैसी तीखी दाढ़ी है यार, और ये हेड अंडरवर्ल्ड का डॉन है। बड़े लोग कैसे डकार मारते हैं? अब इसको पता चलता है कि इसका बंदा तो खुद अंडरवर्ल्ड गैंग में शामिल है, एंड देन शी इज लाइक इसका पता तो अब मैं खुद लगाऊंगी। फिर वो पकड़ा जाता है और कहता है कि जानू मैं तो तुम्हारी साइड हूँ, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं उनसे अपने मरे हुए भाई का बदला ले सकूं। और फिर ये लोग आपस में ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि अरे जो मरा था बंदा उसका तो कोई भाई नहीं है। अब तो सर बोल दे के। फिर बंदी का ना माथा घूम जाता है और वो चाकू लेके बोलती है कि भाई सुन तू, तेरा ना बहुत हो गया, अब मैं खुद को ही मार लेती हूँ, तुम सब लोग खेलते रहो अपना, ठीक है। एंड देन ही इज लाइक मैं कोई योगी फोगी नहीं हूँ, ना ही मैं महिषोगी का भाई, मैं विजय हूँ, विजय, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब इतनी खिंची खिंची मूवी थी ना ये, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। पता है क्या, उनके अंकल ने ना 10 करोड़ का ना सिक्का खरीद लिया था, ठीक है, एंड दैट सिक्का वाज विद दिस डम्ब गर्ल ऑल अलोंग। इसमें एक और सिक्का था, वो का है? वो तो मैंने भिखारी को दिया, बहुत भूखा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिर ना बहुत सारी भसड़े मचती है, पर इन भसड़ों के बीच में एक बार ना इसके ये ततैये वाले चश्मे में एक्शन सीन देख लो। मुंह तो बंद करो अंकल। आजी श्रीकांत माथुर एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है, बहुत ही सम्मानित ऑफिसर है, अभी धूमधाम से रिटायर होना चाहते हैं, मगर जो केस इन्होंने चुना है वो गलत है। तो होता ही है कि भाई के फंटर यहाँ पे दुश्मन की कैद में है, इस उम्मीद में कि भाई आके इनको बचाएगा, पर वहाँ भाई मस्त अपना वर्कआउट सेशन चला रहा है, क्योंकि वर्कआउट के साथ मजाक नहीं ब्रो। और भाई ये क्या हो रहा है, इसके आने से पहले यहाँ पे जग्गे हिल रहे हैं, बोतलें हिल रही हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब ये लोग मिलके किसी बंदी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि मेन गुंडे का बाप जो होता है वो जेल में होता है, जिसका केस हैंडल इस लड़की का बाप कर रहा होता है। अब बंदी किडनैप हो रखी है, एंड दिस बंदी हैज नो फकिंग आइडिया अबाउट इट। आइडिया होता तो अपने किडनैप होने के बाद ये तुरंत चैचे पैपे ना कर रही होती है ऐसे। बात तो सही है। आई वांट टू कॉल माय डैड, गिव मी अ गन। यहाँ ना थोड़ी
अलग टाइप की किडनैपिंग चल रही है, ठीक है? ये साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं डूड, क्योंकि घर में सबके साथ खाती हूँ, अकेले खाने की आदत नहीं है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अमीरों के चोचले भाई, ये सब अमीरों के चोचले। वहाँ इसके घर वाले परेशान हो रहे हैं कि हमारी बेटी न जाने कहाँ होगी, कैसे होगी, और ये मैडम मस्त यहाँ पे किडनैपरों के साथ चिल मार रही है, नाच गाना कर रही है। What? कुछ नहीं, फ्लर्ट मार रही है। पानी कम है, साथ में नहाना है। ये क्या है? स्नो फाइट कर रही है, शराबी पी के रातों में गेड़ियां मार रही है। खत्म। वाह दीदी। तो बाबा लोग ये लोग पकड़े जाते हैं। बंदी कहती है कि चार्ली तुम ना सरेंडर कर लो। प्यार में इंसान हम लोगों को पता ही है कैसा चूड़ा हो जाता है, तो वो कहता है कि ओके। शाबाश बेटा, दो दिल में पलट गया। अब 2 साल हो जाते हैं, बंदा जेल से बाहर भी आ जाता है, अपनी जिंदगी सुधारने के लिए बन जाता है एक जिम ट्रेनर। वो कौन था? कस्टमर। और ये तो कस्टमर का सामान है ना जी। ओके। फिर ना बहुत ही ज्यादा यूजलेस वाली भसड़े मचती हैं। और भाई बॉलीवुड मूवी है यार, लास्ट में सब ठीक तो होना ही है, हैप्पी एंडिंग। पर भाई सबसे बेस्ट पार्ट इस मूवी का ना, जो मुझे लगा, आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा भाई का गाना। ये भाई जिसको सुन के ना मेरे दिमाग के एक एक नस ने मुझसे भीख मांग के कहा बंद करो। भाई आए मस्त अपना पैंट वैंट ऊपर चढ़ा के, एकदम थाई वाई निकाल के ऐसे बैठे एकदम स्पीकर माइक वाइक के सामने कि ओ भाई आज तो गंदी पाड़ देंगे जमाने की। ऐसा गाना गाएंगे कि साला कानों से खून निकाल देंगे वे। जनता माफ नहीं करेगी। कुछ नहीं सुना, अब एक काम करो, ऐसा है तुम दोनों मेरी छाती पे मूंग दलो, उसके बाद करना लेट्स सेलिब्रेशन। भाई मुझे नहीं पता ये मूवी ना पता नहीं डूड क्यों बनाई गई है, मतलब इसको बनाने के पीछे का मतलब क्या था, मतलब क्या समझ नहीं आया ना मुझे थोड़ा। और इस मूवी को देखने के बाद ना मेरा रिएक्शन ये था, ये चैंपियन बंदी होती है जो रियल लाइफ में ना कटरीना कैफ की बहन है, और मूवी में इसको अपनी डांस अकेडमी बचानी है। एक ये होता है आशिक अवारा जो करता है कटरीना की बहन से बहुत ही ज्यादा वाला मोहब्बत, वो भी पिछले करोड़ों सालों से। और पिक्चर में पता नहीं क्या अंग्रेज अपनी ये फटी हुई हिंदी बोल रहे हैं। कंपटीशन से अभी भी निकाला जा सकता है। और यार सिर्फ ना एक बंदे को इस मूवी में देख के ना मुझे खुशी हुई है ना, और वो बंदा ना ये भांग मांगे दूध मलाई, गांजा मांगे घी, दारू मांगे जूता चप्पल, इसलिए सोच समझ कर यूपी। एक दिन चैंपियन डांसर गर्ल नाचते नाचते ज्यादा हवाबाजी कर लेती है और उसका पैर टूट जाता है। आगे स्वाद। फिर उसे एक बात समझ आ जाती है, एनीबॉडी कैन डांस। अब ये आशिक अवारा पहुंच जाता है इसकी जगह बच्चे को डांस सिखाने के लिए, ताकि ये बेचारी घर से बेघर ना हो जाए। और दूसरी साइड से इसका डांस पार्टनर इसको हटा भी देता है, और अंग्रेज चैंपियन को आ जाता है गुस्सा। कॉम्पिटिशन तो तू अब हारेगा ही विलियम। और यार तुम्हें तो पता ही है यार, मूवी है ये, रियल लाइफ थोड़ी है, जो दुख मिले इनको आखिर में तो सब ठीक ही हो जाता ना इनका, हमारा थोड़ी होता है, हम तो वही अपना दुख लेके आगे जिंदगी जीते हैं, इनको क्या है, इनको कोई मतलब है हमसे नहीं।